हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। दोस्तों अगर आपकी भी बुढ़ापा पेंशन बननी है या फिर विधवा पेंशन बननी है, दिव्यांग पेंशन बननी है या फिर कोई और पेंशन आपने अप्लाई कर रखी है वो आपकी बनी है या फिर आप बुढ़ापा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जो पेंशन है ऑटोमेटिक मोड से बनाई गई है या नहीं, उसका आप स्टेटस अगर चेक करना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि आपकी इस महीने की पेंशन आ चुकी है या नहीं, या फिर यह देखना चाहते हैं कि आपकी अब तक कितनी पेंशन आ चुकी है और किस महीने से आपकी पेंशन आनी शुरू हुई थी, या फिर आप अपनी पेंशन का संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप अपनी पेंशन की जो डिटेल है वो अपने आधार कार्ड नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पेंशन स्टेटस हरियाणा हम ऑनलाइन चेक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आ जाना गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर हमें लिखना है हरियाणा पेंशन स्टेटस, हरियाणा पेंशन स्टेटस लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला ही ब्लू लिंक आ रहा है लाभार्थी के पेंशन वितरण को देखें, इस पर आपको दोस्तों ब्लू अक्षरों पर नीले अक्षरों पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे और बस आपको डायरेक्ट अपनी डिटेल ही डाल। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन है, अगर आपके पास पेंशन आईडी है तो पेंशन आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से अगर सर्च करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, अगर दोस्तों आधार से सर्च करना चाहते हैं तो सबसे आसान जो तरीका है वो आधार कार्ड का है और दोस्तों आधार कार्ड के ऑप्शन पर आपको अभी क्लिक करना है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने जो गोल बिंदी है इस पर आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं और ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं ये ऐसा का ऐसा आपको यहां पर लिख देना है और वितरण देखें व्यू डिटेल्स पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों व्यू डिटेल पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएंगी, लाभार्थी जो आपकी पेंशन आईडी है वो दिखेगी, आपका नाम दिखेगा, आपका जेंडर क्या है वो दिखेगा और दोस्तों आपकी जो कंप्लीट डिटेल है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की पेंशन है, ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेंशन योजना पेंशन स्कीम, यानी किस प्रकार की ये जो पेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं विधवा पेंशन यानी विडो पेंशन, और जब आप नीचे चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता जो आपको मिलती है, यानी दोस्तों जो बच्चों को अब फिलहाल 1600 रुपये मिल रहे हैं और इसमें हरियाणा सरकार ने अब 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है तो ये जो पेंशन है अब 1850 रुपये हो चुकी है और दोस्तों विधवा पेंशन भी अब बढ़ चुकी है, पहले अब फिलहाल जो 2500 रुपये मिलते हैं लेकिन अब 2-3 महीने बाद आपको 250 रुपये इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और ये जो पेंशन है 2750 रुपये हो जाएगी। अब दोस्तों आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन है ईयर का, इस ईयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप डिटेल देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2022-2023, अगर आप इसकी फिलहाल की देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर पीछे का वितरण देखना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेनिफिशियरी की जो पेंशन है वो सभी पेंशन यहाँ पर आई हुई है और दोस्तों सबसे ऊपर जो पेंशन है वो है फरवरी महीने की और दोस्तों वो जो फरवरी महीने की पेंशन है वो मार्च महीने में आपको मिल जाएगी। आपको पता ही होगा जो पिछले महीने की पेंशन होती है वो अगले महीने में दी जाती है, अभी फिलहाल इसलिए खाली है, जैसे ही पेंशन आती है तो यहाँ पर ये फिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप पेंशन देख पा रहे हैं ये ऑटो मोड से बनी हुई बुढ़ापा पेंशन है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेनिफिशियरी की जो पेंशन का रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस बेनिफिशियरी की जो पेंशन है वो सितंबर महीने से यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हुआ था और ये जो पेंशन आई थी ये अक्टूबर महीने से आनी शुरू हुई थी और दोस्तों अभी तक इस बेनिफिशियरी के जो पेंशन है कुल 5 पेंशनें आई हैं।
और दोस्तों पेंशन टाइप भी आप देख सकते हैं कब बनी है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो पेंशन बनी है दोस्तों 4 तारीख 8वां महीना 2022 को ये जो पेंशन है बनी है। और दोस्तों जिस महीने में पेंशन बनती है उससे अगले महीने में उसकी जो पेंशन है रिकॉर्ड में ऐड होती है, यानी अगले महीने से जो उसकी पेंशन है वो दर्ज होती है। और दोस्तों आपको पता है कि जो पेंशन है वो पिछले महीने की अगले महीने में मिलती है, तो दोस्तों ये जो पेंशन है 8वें महीने में बनी थी, 9वें महीने से जो पेंशन है उसका रिकॉर्ड शुरू हो गया, और जो 9वें महीने की पेंशन है वो 10वें महीने में आनी शुरू हो गई, यानी 8वें महीने में पेंशन बनी और दोस्तों 10वें महीने में जो पेंशन है वो आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों इस प्रकार आप अपनी पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की जो पेंशन का स्टेटस देखना चाहते हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, विधवा हो, लाडली हो, बच्चों वाली हो, जो भी पेंशन हरियाणा सरकार देती है सम्मान भत्ते के रूप में, उस पेंशन का अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो केवल आधार नंबर से ही आप अपना जो रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी नई बुढ़ापा पेंशन बनी है ऑटोमेटिक मोड से, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी पेंशन बन चुकी है या नहीं, पेंशन आपके खाते तक पहुंच चुकी है, कब तक आएगी और कब आपकी पेंशन बनी है। और अगर दोस्तों यहां पर आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाता है आधार कार्ड के माध्यम से, तो आप समझ जाएं कि आपकी पेंशन नहीं बनी है, और अगर रिकॉर्ड दिखा रहा है तो समझ जाएं कि आपकी पेंशन बन चुकी है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।